एक और मजेदार बात है, इसी तरह से कर्नाटक की राज्य सरकार को जो कोयला खदान मिली थी उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, इम्टा को, और उसने इन्हीं कानूनों का उल्लंघन किया। इम्टा ने, जो कलकत्ता की कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, वो इम्टा कंपनी कर्नाटक के कोयला खदाने जो उसको मिली थी उसमें से कुछ कोयला उसने बेचा रिजेक्ट के तौर पे बाहर, तो उस पर सीबीआई की भी जांच हुई, ईडी की भी जांच हुई और उसकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई इसी तरह के मामले में। लेकिन अडानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान, जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।